नाम नायक जियाउलहक है, ग्राम सिंधावली थाना कंकरखेड़ा का रहने वाला हूँ। भारतीय सेना में कार्यरत हूँ। पिछले 20 साल से मैं देश सेवा कर रहा हूँ। देश के लिए 14 गोली खाई है मैंने, 2 मिलिटेंट मारे हैं। मेरे से बड़ा भाई है, वो भी फौज में है, नायब सूबेदार है 31 राजपूत में। दोनों इंसर्जेंसी एरिया में हम पोस्टिंग हैं। घर में फादर है, मदर है। फादर जो है वो खुद नेत्रहीन है, जब मेरे गोली लगी थी तो मेरे सदमे में वो उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। अब हमें जो है इस तरीके से परेशान किया जा रहा है, हमारे घर की ज़मीन पर भी कब्जा है, जंगल की ज़मीन छीनने के चक्कर में झूठे मुकदमे कर रखे हैं हम पर। हाजी शबील है, लोकल लीडर है, मारने की धमकी दे रहा है। हमने उसके डर से बच्चों को भी अपनों को दूसरे शहर में शिफ्ट कर दिए हैं। तो यही है कि प्रेस के माध्यम से हमें न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो कब्जा करते हैं ये कौन लोग हैं? ये हमारे कज़िन हैं, लोकल लीडर है BSP का, हाजी शबील नाम है। अपने आप को कोऑर्डिनेटर बताता है लेकिन कुछ नहीं है। अच्छा, आप पुलिस के यहाँ कब से चक्कर काट रहे हैं? पुलिस के यहाँ लगभग 4 महीने पहले हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इसने अपना पॉलिटिकल प्रेशर दे के उस पर जो है FR लगवा दी है। आज SP साहब ने दोबारा से उस पर आदेश किए हैं कि दोबारा से पुनः जाँच कराई जाए इस। अच्छा, आपकी पोस्टिंग यहाँ से कितनी दूर है, कैसे आप करते हैं यहाँ पे, पुलिस को कैसे मैनेज करते हैं? अब तो पिछले 3-4 में पोस्टिंग तो काफ़ी दूर है, अब तो पिछले 4-5 महीने से कुछ मैनेज नहीं हो पा रहा, क्योंकि फ़ोन वगैरह सब चीज़ बंद है वहाँ जहाँ पोस्टिंग है। मैं लोकेशन तो आपको नहीं बता सकता हूँ सिक्योरिटी मैटर के कारण, बट ये है हमारे पास में ना कोई फ़ोन रहता है ना कुछ है। कभी हम नेटवर्क एरिया में आते हैं तभी बात कर पाते हैं, होती भी है या नहीं भी होती है कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, कप्तान साहब से मिले, कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? कप्तान साहब ने भरोसा दिया है कि कार्रवाई की जाएगी गुनहगारों के साथ ही। तो उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया, क्या पूरा मामला है? ये अभी थोड़ी देर पहले कार्यालय में जियाउल हक नाम के एक व्यक्ति आए थे जो आर्मी मैन है। इनका ये कहना था कि कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र में इनके बगल का कोई व्यक्ति है जिसने इनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। तत्काल इस मामले में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि राजस्व के लोगों से बात करें और राजस्व की टीम को साथ लेकर इनका जो भी समस्या है उसका निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। थैंक यू।